हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे क्यूबाइटल फोसा की एनाटॉमी के बारे में। तो देखिए, हम पूरे के पूरे क्यूबाइटल फोसा को 6 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे, ओके। और देखिए वो 6 पॉइंट कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा इसका फीचर्स, कि क्यूबाइटल फोसा के बारे में जनरल बातें कि ये कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, किसके होमोलोगस होता है। तो देखिए, 6 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है हमारा फीचर्स। सेकंड पॉइंट होगा बाउंड्रीज, ओके, कि क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्रीज कौन कौन सी होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा हमारा क्यूबाइटल फोसा का रूफ, इसकी रूफ क्या होती है। फिर फोर्थ पॉइंट होगा इसका फ्लोर, एंड देन फिफ्थ पॉइंट होगा हमारे पास इसका कंटेंट, एंड लास्ट एंड फाइनल 6th पॉइंट होगा हमारा इसके अप्लाइड, ओके, कि बेसिकली क्यूबाइटल फोसा पढ़ने के पीछे मीनिंग क्या है, या फिर हम क्यूबाइटल फोसा को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो 6th पॉइंट में पढ़ेंगे अप्लाइड, ओके। तो देखिए, इन 6 पॉइंट के अंदर हमें सारे के सारे क्यूबाइटल फोसा को पढ़ना है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की, कि फीचर्स में हमें क्या क्या बताना है इसमें, ओके। तो देखिए, अभी जो ये वाला वीडियो है इसमें बताएंगे ओनली पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, ओके। जितने भी 6 पॉइंट हैं इन सारों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे हम इसका पूरा डायग्राम, ओके। तो देखिए, आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर। तो देखिए, क्यूबाइटल फोसा का फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट इसका फीचर है कि ये क्या होता है, दिस इज ट्रायंगुलर। देखिए, ये सारा का सारा आपको हम डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो दिस इज ट्रायंगुलर होता है और कहाँ होता है। सेकंड पॉइंट है फीचर्स में, दिस इज द फ्रंट ऑफ एल्बो, फ्रंट ऑफ द एल्बो, ओके। तो एल्बो के फ्रंट में होता है, ओके, तो फ्रंट ऑफ द एल्बो। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है होमोलोगस, ओके, कि जो ये क्यूबाइटल फोसा होता है ये किसके होमोलोगस होता है। तो दिस इज होमोलोगस, होमोलोगस विद पोपलिटियल फोसा, ओके। पोपलिटियल फोसा, ओके, तो ये पोपलिटियल फोसा के होमोलोगस होता है। अब देखिए, बेसिकली पोपलिटियल फोसा ये क्या चीज़ है। तो देखिए, डिट्टू जैसे ये एल्बो में होता है ना, वैसे ही ये कहाँ होता है, हमारे नी जॉइंट के पीछे की साइड, ओके। मतलब नी जॉइंट के पोस्टीरियर साइड आपको एक और फोसा देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा डायमंड शेप, ओके। तो क्यूबाइटल फोसा पोपलिटियल फोसा का होमोलोगस है। पोपलिटल फोसा ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम लेग के अंदर, ओके। और क्यूबाइटल फोसा, बेसिकली क्यूबाइटल फोसा देखिए ये कुछ नहीं, ये वाला है, यही होता है हमारा क्यूबाइटल फोसा, ओके। तो ये क्यूबाइटल फोसा हो गया, ओके। तो फीचर्स में हमें पढ़ने हैं 3 पॉइंट, ओके। उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है इसकी बाउंड्रीज। तो आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। तो देखिए, बेसिकली बाउंड्रीज होती है इसकी चार कैसे, देखिए, एक होगी लेटरल, एक होगी मीडियल, ओके, और एक होगा इसका एपेक्स और एक होगा बेस, ओके। तो देखिए, बेसिकली जो क्यूबाइटल फोसा होता है वो कुछ ऐसा होता है दिखने में। ये एक मसल इसकी, दिस इज, देखिए ना, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये थंब का होता है लेटरल साइड। तो देखिए, जो ये वाली बाउंड्री होगी, दिस इज लेटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा, ओके। तो देखिए, दिस इज द लेटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। तो ये होगी हमारी, दिस इज द लेटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ये क्या होगी, ये वाली होगी मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा, ओके। और देखिए, यहाँ से क्या करते हैं हम, दिस इज बेस, यहाँ से हम, देखिए मैं डॉटेड बना रहा हूँ, तो ये क्या है, दिस इज इमेजिनरी लाइन, ओके। तो देखिए, दोनों इपिकोंडाइल, यहाँ पे ये ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है, और ह्यूमरस बोन के दोनों इपिकोंडाइल है। तो देखिए, दोनों इपिकोंडाइल को मिलाने वाली एक लाइन खींची डॉटेड, ओके। तो देखिए, ये क्या होगा, ये होगा बेस, और जहाँ पे दोनों मसल्स, एक मसल ये वाली है, एक मसल ये वाली है, जहाँ पे दोनों मसल आपस में क्रॉस कर रही है, वो क्या है, एपेक्स, ओके। देखिए, एपेक्स और बेस कहीं भी हो सकते हैं, एपेक्स का फिक्स नहीं है कि ये ऊपर ही हो या फिर नीचे ही हो, बेस का भी फिक्स नहीं है कि ये ऊपर ही हो नीचे ही हो, ओके। देखिए, बेस का मतलब होता है बेसिकली चौड़ा पार्ट, जहाँ भी चौड़ा पार्ट होगा वो होगा बेस,
और जहाँ पे भी एकदम पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगी, जहाँ पे भी दो मसल्स, एक मसल्स ये आ रही है, एक मसल ये आ रही है, जहाँ पे भी दोनों मसल क्रॉस कर रही है, तो वो बनाती है एपेक्स। एपेक्स का रियल डेफिनेशन है जहाँ पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है ना, पॉइंटेड, वो एपेक्स होता है। एपेक्स ऊपर भी हो सकता है, एपेक्स नीचे भी हो सकता है। ओके, तो देखिए ये डॉटेड खींची, तो देखिए आपको ये ट्राइंगुलर दिख रहा है, देखिए ना, एक बाउंड्री ये हुई, एक बाउंड्री ये हुई, एक बाउंड्री ये हुई, मतलब देखिए ना ट्राइंगल जैसे दिख रहा है, तो दिस इज ट्राइंगुलर। ओके, तो देखिए हमने लिखा था ट्राइंगुलर लिखा था, उसके बाद देखिए हमने बोला राइट हैंड, तो देखिए ऐसे कैसे हम यहाँ पे आ गए, तो देखिए कहाँ पे है फ्रंट ऑफ एल्बो, तो दिस इज फ्रंट ऑफ एल्बो। और बेसिकली ये किसका होमोलोगस होता है, ये होमोलोगस होता है पोपलिटियल फोसा का। तो देखिए आते हैं हम इसके सेकेंड पॉइंट्स पे, सेकेंड पॉइंट्स क्या है, बाउंड्री। बाउंड्री में कुछ नहीं, ये थंब है, तो ये वाला क्या होगा लेटरल, तो ये पूरा का पूरा लेटरल है, तो दिस इज लेटरल बाउंड्री। ये बनाएगी एक मसल, मीडियल बाउंड्री, ये भी बनाएगी एक मसल, एक देन एक होगा इसका बेस और एक होगा इसका एपेक्स। तो ये चारों बातें हमें यहाँ लिखनी है। ओके, तो बाउंड्री में हमें लिखना है सबसे पहले इसकी लेटरल बाउंड्री। ओके, लेटरल बोल दीजिए या बोल दीजिए रेडियस बोन के साइड वाली। ओके, तो हमें देखनी है लेटरल बाउंड्री, देन हम देखेंगे इसकी मीडियल बाउंड्री। ओके, मीडियल बोल दीजिए या बोल दीजिए अल्ना के साइड वाली। ओके, अल्ना बोन के साइड वाली। ओके, देखिए रेडियस हमारी लेटरल ही तो होती है और अल्ना मीडियल साइड होती है। देन हम बात करेंगे इसके बेस की, और इसके बाद हम इसके बात करेंगे एपेक्स की। ओके, ये चारों बातें हम कहाँ देख रहे हैं, ये चारों बातें देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, बाउंड्रीज। देखिए इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है, लेटरल बाउंड्री ऑफ। ओके, तो लेटरल बाउंड्री कौन बनाएगी, इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस। ओके, ब्रेकियो रेडियलिस ये क्या है, देखिए ये होती है एक मसल। ओके, और ये कहाँ होती है, क्यूबाइटल फोसा के लेटरल साइड। ओके, और मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा, अब देखिए बेसिकली कॉमन सेंस ही बात है, ये मीडियल बाउंड्री होगी, अब ये पूरी की पूरी मसल होगी, तो मसल का ये वाला तो इधर इधर होगा मीडियल बॉर्डर, इधर होगा लेटरल बॉर्डर, तो मीडियल बाउंड्री तो हुई पूरी, मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगी, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस, तो इसको बनाएगी लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ओके, प्रोनेटर टेरिस जो मसल होती है वो बनाती है इसकी मीडियल बाउंड्री। उसके बाद बेस, तो देखिए बेस क्या है, ये वाली इमेजिनरी लाइन, ये कहाँ खींची थी, ह्यूमरस बोन के दोनों इपिकोंडाइल को मिलाने वाली। तो बेस के लिए लिखेंगे रिप्रेजेंट बाई इमेजिनरी लाइन, रिप्रेजेंट बाई इमेजनरी लाइन। ओके, उसके बाद, और ये इमेजनरी लाइन कहाँ पे होती है, दोनों बोथ इपिकोंडाइल, सॉरी यस यस बोथ इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस दोनों को मिलाने वाली, लेटरल और मीडियल इपिकोंडाइल होता है ना ह्यूमरस का, दोनों को मिलाने वाली एक इमेजनरी लाइन बनाती है बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा। उसके बाद देखिए जो बेस होता है ये कहाँ होता है, बेसिकली बेस होता है डायरेक्टेड अपवार्ड। देखिए बेस तो डायरेक्टेड अपवार्ड मतलब ऊपर की साइड है, और एपेक्स कहाँ है, डाउनवार्ड, तो दिस इज डायरेक्ट डाउनवार्ड। ओके, तो बेस होता है डायरेक्टेड अपवार्ड, और एपेक्स कहाँ होगा, एपेक्स देखिए एपेक्स यहाँ पे पॉइंटेड तो नीचे की तरफ है, तो दिस इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ओके, उसके बाद देखिए जो एपेक्स होता है, एपेक्स कहाँ होता है, हमने बताया था ना कि देखिए लेटरल साइड क्या थी, ब्रेकियो रेडियलिस, तो देखिए ये लेटरल साइड है, यहाँ पे ये वाली मसल है ब्रेकियो रेडियलिस। ओके, तो देखिए ये है, ये पिंक वाली क्या है, दिस इज ब्रेकियो रेडियलिस। ओके, उसके बाद जो ब्लैक वाली क्या है, दिस इज प्रोनेटर टेरिस, मतलब क्या कि जहाँ पे ब्रेकियो रेडियलिस और प्रोनेटर टेरिस दोनों मसल्स आके क्रॉस कर रही हैं, वो बनता, वहाँ बनता है एपेक्स। तो देखिए एपेक्स है डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और कहाँ पे है,
जहाँ पे ब्रेकियो रेडियलिस बी आर, देखिए ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स को अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा बी आर, बी आर मतलब ब्रेकियो रेडियलिस, प्रोनेटर टेरिस इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा पी टी, पी टी मतलब प्रोनेटर टेरिस। तो देखिए कहाँ पे हैं, जहाँ पे ब्रेकियो रेडियलिस क्रॉस क्रॉस कर रही है किसको, पी टी मतलब प्रोनेटर टेरिस को, ओके। जहाँ पे ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स प्रोनेटर टेरिस पी टी को क्रॉस कर रही है वो है हमारा एपेक्स। तो हमने सारी की सारी बाउंड्री की बात कर ली, ओके। उसके बाद बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट जो कि है इसकी रूफ। तो देखिए नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, थर्ड पॉइंट में देखना है हमें इसकी रूफ कि क्यूबाइटल फोसा की रूफ कौन बनाती है। रूफ मतलब ये स्किन, जहाँ पे ये स्किन है तो देखिए क्या होगी, स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा, एंड देन बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस होगा, और जो भी मैंने चारों के चारों स्ट्रक्चर बोली है वो बोली है सीक्वेंस से, ओके। तो देखिए रूप में मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूँ, सबसे ऊपर क्या होगी, ये पूरे स्किन होगी, सबसे ऊपर स्किन होगी, तो देखिए सबसे ऊपर होती है स्किन, देन होती है सुपरफिशियल फेशिया, ओके। उसके बाद नंबर थर्ड नंबर पे होता है डीप फेशिया, एंड नंबर लास्ट एंड फाइनल चौथे नंबर पे होता है बाइसिपिटल, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अब देखिए ये क्या चीज है बाइसिपिटल, देखिए अभी बताते हैं इसको कि बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस का क्या चीज है, ओके। तो देखिए ये चारों स्ट्रक्चर मैंने सीक्वेंस से लिखी है, सबसे ऊपर स्किन होगी, स्किन हटाएंगे तो आपको सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, फिर इसको हटाएंगे तो डीप फेशिया मिलेगा, फिर डीप फेशिया को हटाएंगे तो आपको बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस मिलेगा, ओके। अब देखिए बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस बेसिकली कुछ नहीं है, जब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज बाइसेप्स, दिस इज बाइसेप्स बेकाई, देखिए जो बाइसेप्स बेकाई का तो एक होता है मेन टेंडन, ओके। उसके बाद क्या होता है, इसी का एक एक्सटेंशन होता है जो होता है बहुत ही फ्लैट टेंडन, जैसे कागज होता है ना कागज, इस कागज के साइज का बिल्कुल चपटा टेंडन होता है जो कि जाता है मीडियली और स्किन में आके इंसर्ट हो जाता है, ओके। तो देखिए बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस ये है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का टेंडन, ओके। तो ये हो गया, इसकी रूफ हो गई। तो देखिए रूफ में हमें यही चार पॉइंट पढ़ने हैं, उसके अलावा देखिए अगर आप इसमें और डीप जाना चाहते हैं तो देखिए सुपरफिशियल फेशिया में दो तीन बातें काम की हैं, क्या कि देखिए एक होगी होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन, ओके, जो कि ज्वाइन करती है किसको, बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन, ओके। तो ये जो होती है ना बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन और मीडियल क्यूबाइटल वेन, ये तीनों के तीनों कहाँ होती है, सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, ओके। और देखिए जो मैंने तीन वेन बोली, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मीडियल क्यूबाइटल वेन, ओके, मीडियल क्यूबाइटल वेन बेसिकली क्या होती है, जो बेसिलिक और सिफेलिक वेन दोनों को जोड़ती है, ओके। तो बेसिलिक, मीडियल क्यूबाइटल और सिफेलिक, ये तीनों वेन कहाँ होगी, सुपरफिशियल फेशिया के अंदर। उन्हीं के साथ साथ दो नर्व होती है, दो नर्व कौन सी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और एक होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो देखिए दिख ही रहा है जो लेटरल साइड होगी, जो पिंक वाली साइड होगी, इधर होगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म क्यों, क्योंकि देखिए बेसिकली आर्म के बाद फोर आर्म ही तो आएगा, ये फोर आर्म ही तो है हमारी। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे है तो फोर आर्म ही बोलेंगे, तो एक होती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एक होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ओके। अब देखिए जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म होती है ना, वह साथ साथ चलती है हमारे सिफेलिक वेन के, मतलब अगर आपको पता हो सिफेलिक वेन बेसिलिक वेन, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, सिफेलिक वेन होती है हमारे इस साइड, यह है सिफेलिक वेन जो ऐसे कैसे जाती है, लेटरली होती है, और जो बेसिलिक वेन होती है वो जाती है ऐसे, तो यह है बेसिलिक वेन, ओके। तो देखिए दिस इज सिफेलिक वेन, दिस इज बेसिलिक वेन। अब याद कैसे करें, तो कुछ नहीं है, अगर हम ऐसे रखेंगे तो बेसिकली बेस होगा ना, ऐसे रखते हैं मैक्सिमम टाइम हाथ, तो देखिए ये बेसिलिक वेन होगी, ये सिफेलिक वेन होगी, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन, देखिए वो हमें मिलती है क्यूबाइटल फोसा के अंदर ऐसे, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए प्रोमिनेंट हो रही है, ये हमारी मीडियल क्यूबाइटल वेन ही है, आपको दिख रहा हो ढंग से, तो देख लीजिए जो ये जहाँ पे हम देते हैं ना इंटर, यहाँ पे जहाँ से ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं वहाँ लेते हैं मीडियल क्यूबाइटल वेन से। तो देखिए जो ये प्रोमिनेंट हो रही है ये होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन, और ये किस किस को ज्वाइन करती है, तो देखिए हमने ये बना दी मीडियल क्यूबाइटल वेन स्केच से, तो ये है मीडियल क्यूबाइटल वेन जो कि बेसिलिक और सिफेलिक दोनों को कनेक्ट कर रही है, और ये तीनों के तीनों बेसिलिक सिफेलिक और मीडियल क्यूबाइटल वेन ये कहाँ होती है, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ क्यूबाइटल
फोसा, ओके। उसी के साथ साथ जो सिफेलिक वेन होती है इसके साथ चलती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर, जो बेसिलिक वेन होती है इसके साथ चलती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ओके। तो देखिए और डिटेल में जाना हो तो सुपरफिशियल फेशिया के लिए ये बातें हैं, ओके। इसके बाद आते हैं हम नंबर फोर पॉइंट पे। नंबर फोर पॉइंट क्या है हमारा, इसका फ्लोर, कि क्यूबाइटल फोसा का फ्लोर कौन बनाता है। तो नंबर आते हैं फोर पे कि इसका फ्लोर क्या है। देखिए हम ये सारा का सारा जो हमने भी बताया था कि मीडियल क्यूबाइटल वेन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व फोर आर्म, इसका एक सेपरेट डायग्राम बनेगा, ओके। रूफ के लिए हम एक सेपरेट डायग्राम बनाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए अभी हम ओनली थियोरेटिकल बता रहे हैं, ओके। आपको इसका डायग्राम भी बनेगा जिससे हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए फ्लोर, अब बेसिकली फ्लोर कौन सी मसल बनाती है, तो देखिए फ्लोर के लिए है हमारे पास बेसिकली दो मसल, सॉरी मसल तो एक ही है, एक है थोड़ा बोन का पार्ट। तो देखिए एक होती है ब्रेकियलिस, ओके। ब्रेकियलिस मसल क्या बनाती है, फ्लोर। देखिए कंफ्यूजन मत होना, मैंने यहां पे लिखा है ब्रेकियो रेडियलिस BR, यहां पे ये ब्रेकियलिस नहीं है, ओके। तो ब्रेकियो रेडियलिस क्या है, दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबाइटल फोसा, जबकि मैंने यहां पे लिखा है ब्रेकियलिस, ओके। यहाँ पे ब्रेकियो रेडियलिस नहीं है, तो देखिए यहाँ पे BR मतलब ब्रेकियो रेडियलिस, ये यहाँ पे नहीं है, ओके। तो ब्रेकियलिस बनाएगी इसका फ्लोर। उसी के साथ साथ एक सुपीनेटर मसल होती है, वो भी बनाती है, ओके। सुपीनेटर, देखिए ये सारे के सारे मसल्स आप पढ़ेंगे अपर लिम में, ओके, जिसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप साइड में आई बटन पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे अपर लिम मसल्स मिल जाएगी, जिससे कि आपको क्यूबाइटल फोसा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो एक होती है सुपीनेटर मसल, ओके। तो सुपीनेटर मसल्स का कुछ पार्ट, ओके, जो कि रेडियस अपर पार्ट, ओके, सुपीनेटर मसल्स का अपर पार्ट बनाता है फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। देखिए पूरी सुपीनेटर मसल नहीं बनाती है, ओके, पूरी सुपीनेटर नहीं बनाती है, ओके। तो चौथा पॉइंट फ्लोर हो गया। फ्लोर के बाद आते हैं नंबर फाइव पॉइंट पे। फाइव पॉइंट क्या है हमारा, कंटेंट, कि क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट क्या होता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में वाइवा में पूछा कि क्यूबाइटल फोसा, तो देखिए कंटेंट बताना मस्ट होता है, क्यों, क्योंकि इन कंटेंट से ही क्लिनिकल होते हैं। तो देखिए हम देखेंगे क्यूबाइटल फोसा के कंटेंट, ओके। तो हम बात करेंगे कंटेंट की, तो देखिए कंटेंट को हम देखते हैं मीडियल टू लेटरल, ओके। तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगा सबसे मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर, मीडियल मतलब जो कि इस साइड होती है, इस साइड मतलब लिटिल फिंगर साइड, ओके। तो देखिए लिटिल फिंगर साइड मतलब यहाँ पे जो सबसे मीडियल होगा क्यूबाइटल फोसा के अंदर, वो लिखूंगा मैं यहाँ पे, और सबसे लेटरली लिखूंगा, सबसे लेटरली वाला ये थंब वाला होगा ना, तो इस साइड लिखूंगा मैं सबसे लेटरल वाली स्ट्रक्चर, ओके। तो देखिए हम जाएंगे मीडियल टू लेटरल, हमें ऐसे जाना है, ओके। तो हम ऐसे ट्रेस करेंगे, सबसे पहले हम मीडियल बोलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, मतलब टोटल चार स्ट्रक्चर बोलनी है। चार स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे, मीडियल टू लेटरल, और इनको याद करने की ट्रिक होती है MBTR, ओके, MBTR। इस ट्रिक से हम याद करते हैं, एम मतलब एम जो भी स्ट्रक्चर होगी वह सबसे मीडियल होगी, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद टी यहाँ लिखेंगे, उसके बाद आर यहाँ लिखेंगे, आर जो भी होगा वह होगा मोस्ट लेटरल। अब देखिए एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब है मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, देखिए मीडियन है, मीडियल नहीं है, ओके, तो कन्फ्यूजन मत होना। तो दिस इज मीडियन नर्व। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर होगी हमारी ब्रेकियल आर्टरी, बी से क्या होगी, ब्रेकियल आर्टरी, तो दिस इज ब्रेकियल आर्टरी, ओके। तो ब्रेकियल आर्टरी होगी। नंबर थर्ड टी से क्या होगा, टी से होगा टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, तो इससे होगा टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, ओके। और आर से क्या होगा, आर से होगा रेडियल नर्व, ओके, तो इससे होगा हमारा रेडियल नर्व, ओके। तो देखिए ये चार स्ट्रक्चर है। अब देखिए इनको यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे मीडियल साइड होगी हमारी, दिस इज द मीडियन नर्व, ओके। आप यहाँ पे मीडियन नर्व पढ़ेंगे, उसके बाद आप सेकंड नंबर पे क्या पढ़ेंगे, उसके बाद होती है यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी, तो देखिए जो रेड रेड वाली होती है ये होती है ब्रेकियल आर्टरी,
देखिए सेकंड नंबर पे ब्रेकल आर्टरी होती है, देन थर्ड नंबर पे क्या है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ओके देखिए दिस इज द, यहाँ पे क्या होगा ये ग्रीन ग्रीन वाला, दिस इज द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। देखिए सबसे मीडियल तो है मीडियन नर्व, देन ब्रेकियल आर्टरी, देन टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, और सबसे लेटरली क्या होगा, सबसे लेटरली होगा रेडियल नर्व। तो यहाँ पे सबसे लेटरली होती है रेडियल नर्व। तो देखिए ये हो गए कंटेंट, याद कैसे करना है, मीडियल टू लेटरल, एम बी टी आर। ओके एम बी टी आर से मीडियल टू लेटरल। तो देखिए हमने सारे के सारे कंटेंट की भी बात कर ली। उसके बाद देखिए इसमें एक और पॉइंट है, वह ये कि जो मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, इन दोनों को सेपरेट करता है हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई का एपोन्यूरोसिस। देखिए हमने बोला था ना कि बाइसेप्स ब्रेकाई के दो एपोन्यूरोसिस, बोल दीजिए एपोन्यूरोसिस कुछ नहीं होता, एपोन्यूरोसिस होता है दिस इज द फ्लैट टेंडन। एपोन्यूरोसिस का एक वन लाइन में जवाब होता है, दिस इज द फ्लैट टेंडन। अगर टेंडन बिल्कुल चपटा कागज की तरह हो जाए तो उसे बोल देते हैं एपोन्यूरोसिस। तो देखिए सेपरेट बाई, सेपरेट बाई का मतलब है कि देखिए अगर आप समझते हैं ये है मीडियन नर्व, ओके, और ये क्या है ब्रेकियल आर्टरी, ओके। अब मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, तो देखिए क्या होता है, इनके बीच में ये क्या है, दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकाई का एपोन्यूरोसिस। तो देखिए इन दोनों को ऐसे अलग करती है, ओके। तो देखिए आपको नर्व मिल जाएगी, मतलब देखिए ना दोनों अलग अलग हो गए, और ये नीला वाला क्या है, दिस इज बाइसेप्स ब्रेकाई का एपोन्यूरोसिस। तो ये दोनों सेपरेट होंगे बाइसेप्स ब्रेकाई के एपोन्यूरोसिस से। तो देखिए वही लिख रहे हैं यहाँ पे, तो सेपरेट बाई मतलब मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई एपोन्यूरोसिस। ओके और हमने बोला था एपोन्यूरोसिस कुछ नहीं, एपोन्यूरोसिस का वन लाइन जवाब है दिस इज द फ्लैट टेंडन। अगर टेंडन बिल्कुल कागज की तरह हो जाता है तो उसे बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। देखिए टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ये अलग है और बाइसेप्स ब्रेकाई का एपोन्यूरोसिस ये अलग है, ओके। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर करनी है तो आप जाइए बाइसेप्स ब्रेकाई मसल में, वहाँ पे पूरी मसल पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइसेप्स ब्रेकाई का एपोन्यूरोसिस ये अलग चीज़ होती है और टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ये अलग चीज़ होती है, ओके। उसके बाद आते हैं हम इसके सिक्स पॉइंट पे। तो देखिए हमने पाँच पॉइंट पढ़ लिए, सिक्स पॉइंट है अप्लाइड, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एग्जाम में क्यूबाइटल फोसा आता है और आपने उसके अप्लाइड नहीं लिखे तो देखिए वैसे भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ओके। तो अच्छे नंबर पाने के लिए आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अप्लाइड लिखने ज़रूरी होते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ करेंगे अप्लाइड की, कि हम बेसिकली क्यूबाइटल फोसा को कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए अप्लाइड में बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, अप्लाइड में देखते हैं सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कि जो हमारी होती है ना मीडियल क्यूबाइटल वेन, ओके, इसका हम यूज कर सकते हैं आर्टरी के, सॉरी वेन के अंदर, ओके। यहाँ पे कौन होती है, मीडियल क्यूबाइटल वेन। तो देखिए इंजेक्शन कहाँ पे देना है हमको, इंजेक्शन देना है मीडियन, मीडियन क्यूबाइटल वेन, ओके। तो हम मीडियल क्यूबाइटल वेन के अंदर इंजेक्शन, यानी कि हम इसके अंदर इंट्रावीनस इंजेक्शन दे सकते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट है इसका बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे, तो देखिए हमने इसके कंटेंट में पढ़ा था, कहाँ इसका कंटेंट, कंटेंट में पढ़ा था ब्रेकियल आर्टरी, ओके। तो जो ये ब्रेकियल आर्टरी होती है इसका यूज होता है बीपी में, बीपी को नापने में। अब कैसे होता है, देखिए आपको जो कफ होता है, कफ को ऐसे लगाते हैं ना, अज्यूम कीजिए ये है हमारा बीपी का कफ, ओके, और इस बीपी के कफ को ऐसे लगाते हैं। ऐसे लगाने के बाद देखिए जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखता है, यहाँ पे कफ के जस्ट नीचे यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखता है, और देखिए वो स्टेथोस्कोप किसके ऊपर रखता है, वो रखता है ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर। तो देखिए ब्रेकियल आर्टरी का यूज हो गया, तो बीपी कहाँ पे होगा, ऑस्कल्टेशन इन ब्रेकियल आर्टरी, ऑस्कल्टेटिंग बोल दीजिए और अच्छा रहेगा, ऑस्कल्टेटिंग इन ब्रेकियल आर्टरी,
तो बीपी वाला हो गया। उसके बाद देखिए जो अब बात करते हैं थोड़ी फ्रैक्चर की। तो फ्रैक्चर मतलब कि अब हमें हड्डियां तोड़नी है। एक बार इंजेक्शन लगा दिया, अप्लाइड में, अप्लाइड को कैसे याद करना है आप ऐसे याद करना, एक बार इंजेक्शन लगा दिया, एक बार बीपी को नाप लिया, एक बार हड्डी तोड़नी है। हड्डी तोड़नी मतलब फ्रैक्चर लेना है, और कौन सी हड्डी तोड़नी है? ह्यूमरस। देखिए यहाँ पे ये ह्यूमरस बोन ही तो है, तो देखिए हमें ह्यूमरस बोन को तोड़ना है, और कहाँ से तोड़ना है? सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर। तो देखिए अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है कहाँ से? सुप्रा कॉन्डाइलर से। तो देखिए ह्यूमरस बोन का अगर सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है तो उसको डिनोट करने में या फिर ह्यूमरस बोन को सेटअप करने में हम क्यूबाइटल फोसा का यूज करते हैं। तो देखिए ये तीनों के तीनों क्लिनिकल थे, अप्लाइड थे या क्लिनिकल थे, किसके? क्यूबाइटल फोसा के। तो देखिए एक बार स्पीडली क्यूब रिविजन करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं होता। पूरे क्यूबाइटल फोसा को पढ़ना है 6 पॉइंट में। सबसे पहला फीचर, फीचर में पढ़ी थी 3 चीज़ें। उसके बाद बाउंड्रीज, बाउंड्रीज होती है 4, लेटरल मीडियल बेस एंड एपेक्स। तो देखिए कुछ नहीं, सारा का सारा यहीं लिख देना आप। अब देखिए आपको घर पे चार्ट कैसे बनाना है। हमने तो देखिए आपको 1 पेज और 2 पेज, 2 पेज लिखे थे। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही पेज में पूरा का पूरा कवर करना है। तो देखिए जो फीचर के तीनों पॉइंट है ना, वो यहाँ आप यहीं लिख देना, 1 2 3 करके तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल बारीक बारीक आप यहीं लिख देना। हमने इसकी 4 बाउंड्री बताई थी, 1 2 3 4, उन चारों बाउंड्री को भी कैसे भी करके एडजस्ट करके आप यहीं लिख देना। रूफ में कुछ नहीं, रूफ में भी हमने आपको 4 पॉइंट बताए थे। तो देखिए रूफ के भी 4 पॉइंट आपको यहीं पे लिख देने हैं। ताकि आपके लिए पूरा का पूरा क्यूबाइटल फोसा अगर आपको एग्जाम टाइम रिवीजन करना है तो आपको ओनली एक पेज के अंदर मिल जाए। उसके बाद फ्लोर देखिए, फ्लोर में कुछ नहीं, दो मसल्स बताई थी। तो देखिए फ्लोर के 2 मसल्स भी आप यहाँ लिख देना, बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि आपका एक पेज में हो जाए। कंटेंट में 4 बताए थे, तो कंटेंट को वैसे ही लिखना है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों कंटेंट हो गए। अप्लाइड के 3 पॉइंट, तो अप्लाइड के तीनों पॉइंट भी आपको ऐसे ही लिखने हैं। कैसे? एक लिख देना इंजेक्शन लगाना है, एक बार क्या लिख देना बीपी लगानी है, एक बार क्या करना है हड्डी तोड़नी है, तो फ्रैक्चर। तो देखिए आपका इतनी सी जगह में ही पूरा का पूरा क्यूबाइटल फोसा कवर हो गया। तो देखिए दिस इज बहुत ही सिंपल है क्यूबाइटल फोसा। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्यूबाइटल फोसा का डायग्राम। तो देखिए हमने बताया था, एक तो हमें देखना है क्यूबाइटल फोसा का पूरा डायग्राम कि आप एग्जाम टाइम में कैसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उस डायग्राम के अलावा हमें एक और डायग्राम देखना है इसके रूफ का। रूफ में हमने बताया था ना सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कि मीडियल क्यूबाइटल वेन, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4 आर, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4 आर। तो देखिए एक डायग्राम बनेगा इसका। तो देखिए इसके बाद वाली वीडियो में हम बनाएंगे टोटल 2 डायग्राम। 2 डायग्राम किसके? एक तो बनाएंगे रूफ के लिए, ओनली फॉर स्पेशल रूफ का डायग्राम, रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा, और एक डायग्राम बनेगा स्पेशल फॉर क्यूबाइटल फोसा के लिए कि क्यूबाइटल फोसा की हमें बाउंड्रीज देखनी है, उसके फीचर्स देखने हैं, उसके रूफ देख फ्लोर देखने हैं, उसके कंटेंट देखने हैं। तो देखिए ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे नॉर्मल क्यूबाइटल फोसा के डायग्राम से। तो इन्हें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये सारा का सारा था एनाटॉमी ऑफ क्यूबाइटल फोसा।